सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में. ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है बेसिकली. सो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोण का मतलब होता है बेसिकली थ्री साइडेड फिगर. सो थ्री साइडेड फिगर की जब भी हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड फिगर. एंड ओमेट्री का मतलब होता है स्टडी. सो स्टडी ऑफ थ्री साइडेड फिगर की जब हम लोग बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, राइट. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं तीन साइड्स ट्राइंगल के एंड इट्स रिलेटेड एंगल. सो बेसिकली हेयर वी आर डीलिंग विद द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर एंगल्स. यहाँ पे जो हम लोग ट्राइंगल लेने वाले हैं 9th-10th के लेवल पे, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं दे आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब हो गया दैट द एंगल विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. सो एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल बोलते हैं. ये हमने क्लास 6th-7th में पढ़ा था. So both these angles, angle A and angle C, both these angles will be acute angle. That means the value of these angles will be less than 90 degree and greater than 0 degree, right? So, अब angle के हिसाब से हमारी sides change होती हैं. अब देखो जो हमारे triangle है ना, उसमें तीन sides होती हैं. एक side को हमने बोला यहाँ पे hypotenuse, ठीक है. So जो longest side होती है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं hypotenuse, ठीक है. अब हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल. तो जो हमारा इज ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल. जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ये उसके अपोजिट होता है. जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, ठीक है. अब अगर हम यहां पे देखो, एंगल यहां पे दो तरीके से बन सकते हैं. कैसे कैसे बन सकते हैं, एक एंगल ए है, एक एंगल सी है. अब जब हम ए एंगल को कंसिडरेशन में लेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, इसको हमने बोल दिया लेट्स से थीटा. इस साइन को थीटा बोलते हैं. सो इसको हमने बोल दिया लेट्स से थीटा. तो अगर एंगल ए कंसिडरेशन में लिया जाएगा तो इस केस में क्या होगा, इस एंगल की एक साइड, तो जो सबसे लंबी साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा हमेशा सदैव 100%, ठीक. और इस एंगल की जो दूसरी वाली साइड होगी, इस दूसरी वाली साइड को, द साइड कंटेनिंग द एंगल, वन ऑफ द साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, द अदर साइड विल बी बेस. जो दूसरी साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस. तो याद रखिएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा कंसिडरेशन में लिया जा रहा है तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल थीटा और ये हो जाएगा इसमें बेस, ठीक है. इस एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होगी, इसको हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे. एंगल के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे. एंगल की जो साइड कंटेन कर रही है उसमें से जो छोटी साइड होगी दैट विल बी द बेस, और जो सबसे लंबी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट होगी. तो इतनी बेसिक चीजें आपको समझनी है. दूसरी बात, अगर हम एंगल थीटा ना लेते यहां पे और हम एंगल ले लेते हैं यहां पे, मिट जा भाई, ठीक कोई बात नहीं. अगर हम यहां पे एंगल थीटा ना लेते, अगर हम दूसरा एंगल ले लेते यहां से, सो लेट्स से अगर हम यहां पे एंगल लेते ये वाला, इसको अल्फा बोलते हैं. अगर हम यहां पे एंगल ये वाला लेते इनटू कंसिडरेशन, तो इसके हिसाब से इसके अपोजिट वाली जो साइड थी, ये वाली साइड, इसको हम लोग यहां पे कहेंगे, बेटा वहां पे जाना है आपको, अंदर जाना है, तो इसको हम लोग यहां पे कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है. और ये वाला एंगल के दो साइड, ये वाली साइड एंड दिस साइड, दीज आर कंटेनिंग द एंगल. तो इसमें जो सबसे लंबी वाली साइड है ये हो गई हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल की जो दूसरी साइड है छोटी वाली, इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे बेस. बेस किसको पसंद होता है, बेबी को बेस पसंद है. हाँ, तो बेबी को पसंद होता है ये वाला बेस, ठीक है. तो यहां पे इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बनेगा. अब यहां पे जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं. कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, सो सबसे पहला जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइन. दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोसाइन, ठीक है. ये इनके लंबे लंबे नाम है, कोसाइन. दूसरा जो, तीसरा जो है वो हो गया टैन. इसको कहते हैं टैंजेंट, ठीक है. टैन को क्या कहते हैं, टैंजेंट. तो इनके जो लंबे लंबे नाम है इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, ठीक है. जैसे आजकल लंबे लंबे नाम को छोटे छोटे नाम में हो जाता है, ठीक है. दयानंद कुरवा को डीके हो जाता है और आंध्र प्रदेश का एपी हो जाता है, वैसे ही कोसाइन का अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, सो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है कॉस,
साइन जो होता है उसकी जो फुल स्पेलिंग होती है वो आगे ई लगा होता है, ये वाला ई हटा देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में साइन हो गया। टैंजेंट में जेंट हटा देते हैं, बचता क्या है टैन। ठीक है, अब ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इनको याद करने के लिए सबसे प्यारा और सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? बस आपको ये निमोनिक याद रखना है, निमोनिक बोले तो याद करने का छोटा सा तरीका, TBPHHB। अब अगर ऐसे याद होता है तो ऐसे याद कर लो, ऐसे नहीं याद होता है तो क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, हरी हरी बोले, हर हर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा निमोनिक याद करने वाला। अब इसमें देखिए जो ये चीज है पी अपॉन एच, ये जो रेशियो है पी अपॉन एच का, ये हमको मिलता है साइन का रेशियो। सो साइन इज व्हाट, साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका हाइपोटन्यूज। ठीक है, जो दूसरा वाला रेशियो है बी बाई एच, ये क्या है, ये है कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। जो तीसरा वाला रेशियो बचा दिस वन, दिस इज आर टैंजेंट और नोन एज टैन, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ऐसे याद कर सकते हो, नहीं याद होता पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद कर सकते हो। एक 12th क्लास के बच्चे ने मुझे एक और चीज बताई थी कि सर इसका एक और मतलब होता है, अब मैं बता देता हूं, आप लोग छोटे हो वैसे, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, और एक और 12th क्लास में दूसरे ने बताई थी पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो जैसे याद हो वैसे याद कर लो, बीड़ी पिला दो पापा को या बियर पिला दो पापा को, जैसे तुमको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, लेकिन याद ये करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है कॉट। अब कॉट क्या होता है, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, इसमें जो ये हमारे तीन आइडेंटिकल, ये जो तीन रेशियोस थे, इन तीन रेशियोस को अगर उल्टा कर दें मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, उल्टा कर दें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो ये हो जाता है कोसेक, ये वाला हो जाता है सेक और ये वाला हो जाता है कॉट। सो बेसिकली होता क्या है समझिएगा, होता यह है कि साइन जो होता है, साइन इज वन अपॉन कोसेक, तो इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, या फिर हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, एक ही बात है, कुछ भी बोलो। ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम हमारे दोस्त हुए, वही वाली बात हुई, ये इसके रेसिप्रोकल है तो ये इसके भी रेसिप्रोकल हुए। ठीक है, सो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो नेक्स्ट होता है सेक, सेक होता है रेसिप्रोकल किसका, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, सो अगर यहां से देखा जाए तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, सो ये था 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हमको यहां पे पढ़ने हैं, साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। अब याद कैसे करना है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोसेक किसका उल्टा है और सेक किसका उल्टा है, तो इसको मैंने अपने जब मैं 10th में था तो मैंने ऐसे याद रखा था कि सी का उल्टा होता है एस और एस का उल्टा होता है सी, कैसे, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ऐसे याद रखिएगा, SCSC याद रखिएगा तो रहेगा। ठीक है, कॉस में कोसेक मत कर दीजिएगा क्योंकि वो CC हो जाएगा तो वो रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, साइन में सेक नहीं होगा क्योंकि SS हो जाएगा, S का C, C का S, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सही है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो मैंने है ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बता दिया साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है। क्वेश्चन रिलेशनशिप देखिए, अब ये क्वेश्चन रिलेशनशिप क्या होता है, सो क्वेश्चन रिलेशनशिप होता है बेसिकली साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, अभी इसको अगर हम लोग फर्स्ट माने, इसको अगर हम लोग सेकंड माने और इन दोनों को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटन्यूज से हाइपोटन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये बेसिकली होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टैन। सो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा टैन थीटा के बराबर। सो यहां से एक रिलेशनशिप निकल के आता है दैट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, यहां से ये रिलेशन निकल के आता है। अब कॉट थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो यहां से एक और क्वेश्चन रिलेशन निकल के आएगा, क्या रिलेशन निकल के आएगा, सो अगर हम लोग कॉट थीटा को लिखे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, सो दिस विल बिकम साइन थीटा इज साइन थीटा अपॉन टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बीच में स्क्वायर रिलेशनशिप भी चलता है। अब ये स्क्वायर रिलेशन क्या होता है ये समझते हैं, तो स्क्वायर रिलेशन में बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटीज आ जाती हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है वन के, ठीक है। अब ये बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है, बेसिक तीन आइडेंटिटीज है, मैं आपको तीन आइडेंटिटीज बताता हूं, sec square theta this is equals to 1 plus tan square theta and the third one is cosec square theta is 1 plus cot square theta, ठीक। तो ये बेसिक तीन आइडेंटिटीज हैं। अब यहां पे समझिएगा, इन तीन आइडेंटिटीज से हम दो दो और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ट्रांसपोज करके लेफ्ट राइट भेज के, तीन आइडेंटिटीज हैं, तीन एलिमेंट्स हैं यहां पे, इन तीन एलिमेंट्स को आप रीअरेंज करके दो दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिए। सो अगर हम साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दें तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दें तो यहां से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये साथ साथ लिखते जाइएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा और लिखते जाइएगा अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो या आइडेंटिटीज ना याद हो नाइन्थ क्लास की तो, ठीक। सिमिलरली हेयर सेक्स स्क्वायर थीटा में क्या कर सकते हैं, हम इस वन को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, अगर टैन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड भेज दें तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये वन के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या हो सकता है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा हो जाएगा अगर वन को लेफ्ट साइड भेज दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो हमको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होने वाले हैं, तो ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कस के पकड़ के चलना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है सारी आइडेंटिटीज, इसका अब कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए पेन पेपर लेके बैठिएगा और क्वेश्चन साथ साथ कीजिएगा तब समझ में आएगा, वरना पिक्चर की तरह मूवी की तरह देखोगे कि सर पढ़ा रहे हम बिल्कुल चौड़े होकर बैठे हैं तो नहीं समझ में आएगा, इसको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूं फिर एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कह रहा है sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a दिस इज इक्वल टू वन, ये वन के बराबर है, तो हमको बेसिकली ये प्रूफ करना है दैट दिस इज इक्वल्स टू वन, ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमको प्रूफ करना है दैट दिस इज इक्वल्स टू वन। सो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं। सो LHS में अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो आइडेंटिटी, ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, इस क्वेश्चन में हमको sec दिया है, साइन दिया है, sec दिया है, tan दिया है। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन कॉस दिया है और साइन कॉस के साथ सेक दे दें, कोसेक दे दें, टैन दे दें, कॉट दे दें, तो आपका धर्म है, कर्तव्य है क्या करना, इस सेक टैन कॉट कोसेक को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना। अगर ऐसा करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं पे भी फंसोगे नहीं। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में आपको साइन या कॉस दिया है और इसके साथ आपको दिया है टैन कॉट सेक कोसेक, तो आपको सबको क्या करना है, आपको सबको कन्वर्ट कर लेना है इनटू साइन कॉस के टर्म्स में, इनको कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स में, साइन कॉस के टर्म्स में, ठीक। तो अब यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, सेक को अगर साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करें सो सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन
कॉस ए, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑलरेडी साइन के फॉर्म में, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज लिख दिया. विद इन ब्रैकेट sec, sec इज अगेन वॉट, वन अपॉन cos a प्लस tan को अगर हम लोग कन्वर्ट करें sin अपॉन cos में, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a. ठीक है, सो ये हमने बेसिकली कन्वर्ट कर लिया. अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए नीचे cos a दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले एड कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इसको अगर एड करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन cos a, ठीक है, विद इन ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, एंड अगेन विद इन ब्रैकेट नीचे टोटल एलसीएम आ जाएगा cos a, और ऊपर क्या बन गया वन प्लस साइन ए. सही है. अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो वन अपॉन cos a है ये सब मल्टीप्लीकेशन में, सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो चाहे आप 3 4 को मल्टीप्लाई करें या पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, कि आप पहले इन दोनों को ले फिर इन दोनों को ले, या पहले इन दोनों को ले फिर बीच वाले नंबर को ले, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. ठीक है, तो यहां पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी. तो क्या करते हैं, cos a को cos a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो cos a into cos a मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, तो इसको एज इट इज लिख लिया. ठीक है, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a. ठीक है, cos into cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया. ठीक, अब देखिए ये है वन माइनस साइन ए, ये है वन प्लस साइन ए. बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता था ये, वेरी गुड, ये होता था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था. तो यहां पे अगर इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर हम ट्रीट करें, इसको अगर हम ट्रीट करें वन को एज ए एंड साइन ए को एज बी, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली वन का स्क्वायर वन ही होता है माइनस साइन स्क्वायर ए टोटल अपॉन कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सो वन माइनस साइन स्क्वायर, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए. सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वन के बराबर आ गया, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. सो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए प्लस, इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए, माइनस टू साइन ए कॉस ए प्लस टू साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन के बराबर होता है, वन प्लस वन करेंगे टू आ जाएगा, विच इज योर आर एच एस. ट्राई कीजिए फिर से अब इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया है, वन अपॉन वन माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू टू सेक्स स्क्वायर ए, एल एच एस सॉल्व कीजिएगा. सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए. जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये बचपन में सीखा था, बचपन वाली चीज यहाँ पे काम आती है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन ए प्लस वन माइनस साइन ए. सो माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, वन प्लस वन आ गया टू के बराबर, अपॉन वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, फिर से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के. कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर सेक का होता है. सो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए विच इज योर आर एच एस, ये आ गया आर एच एस के बराबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. अब यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी खतरनाक है, राइट हैंड साइड भी खतरनाक है, क्या कर सकते हैं. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेक कोसेक के फॉर्म में, राइट हैंड साइड साइन के और कॉस के फॉर्म में. मैंने बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन में साइन कॉस आए और उसके साथ कभी भी सेक कोसेक टैन कॉट आए तो क्या करने का, चेंज करना है. किसमें चेंज करना है, साइन या कॉस में. तो अब इसको कन्वर्ट करो, कोसेक को कन्वर्ट करो, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो.
तो हमने कोसेक को कन्वर्ट किया वन अपॉन साइन, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए, ये आ जाएगा वन माइनस साइन ए, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वन प्लस साइन ए टोटल अपॉन साइन ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, बचा क्या हमारे पास, बचा वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरीके का फंक्शन बने, नीचे प्लस ऊपर माइनस या नीचे माइनस ऊपर प्लस, वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए या वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, इस तरीके का कभी भी आपके पास फंक्शन बने, फ्रैक्शन बने, तो इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, रैशनलाइज करने का मतलब है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है आपको, जैसे डिनोमिनेटर में दिख रहा है वन प्लस साइन ए, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन माइनस साइन ए से। रैशनलाइजेशन करते थे ना बचपन में, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर, रूट टू प्लस रूट थ्री अगर लिखा होता था तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, रूट टू माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, वही काम यहाँ पे करना है। अगर नीचे वन प्लस साइन ए लिखा है तो हमको वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन ए से। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमको वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए दिखाई दिया, प्लस माइनस का बस फर्क था, बाकी सेम टू सेम था। हमने माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो। अब वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसको टोटली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन, हम देखिए 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 यहाँ पे अभी हमको जो करना है उस करने के हिसाब से जो हमने यहाँ पे किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने में हुआ क्या, देखिए कि नीचे हमारा कॉस ए आ गया और ऊपर हमारा वन माइनस साइन ए आ गया, जबकि क्वेश्चन में प्रूविंग में हमको ऊपर कॉस ए चाहिए और नीचे वन प्लस साइन ए चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हमको नीचे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन गड़बड़ आ गई। अब अगर ये कंडीशन गड़बड़ आ गई तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो कर ये सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, अगर हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो ऐसा करने से नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाता जो हमको यहाँ पे चाहिए था। तो आरएचएस को देखते हुए हम अपने सारे स्टेप्स करेंगे, ठीक है, आरएचएस को देखते हुए हम लोग अपने सारे स्टेप्स करेंगे। सो अगर इसको ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो इसको 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो आ गया आरएचएस जो हमको चाहिए था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड पे दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, देखिए अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ बराबर कर दिया है, ये भी कॉम्प्लेक्स है ये भी कॉम्प्लेक्स है, सीधा कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऊपर नीचे सेम एलिमेंट्स हो लेकिन साइन का फर्क हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। So, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस ए दिया है तो हम नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, और जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो इसके अंडर रूट में हमने इससे मल्टीप्लाई किया। जब ऐसा किया तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला यहां से 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस ए का
होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के एंड 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखे रहने दिया भाई साहब को, ठीक है। अब देखिए नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है और ये टोटल अंडर रूट के अंदर है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर वाले पार्ट से क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब हमारा आरएचएस अभी भी नहीं आया, क्या करें अब आरएचएस लाने के लिए, सो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली यहां पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या किया हमने, ब्रेक कर लिया, 1 के नीचे साइन को ले गए, कॉस के नीचे साइन को ले गए। अब 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोसेक के, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट के। सो कोसेक ए माइनस कॉट ए इज द फाइनल आंसर विच इज आर आरएचएस, तो ये आरएचएस के बराबर आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉट ए। अब यहां पे देखिए क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। तो अगर यहां पे हम लोग क्या करें, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और साइन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए नीचे एलसीएम में बन गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहां पे देखिए ऊपर क्या बन रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो आइडेंटिटी लगा के इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए टोटल अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। सो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस साइन ए, सो हमारे पास बचा कॉस ए प्लस साइन ए बचा टोटल में, ठीक है। सो एलएचएस में आ गया कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड अगर इसको हम लोग लिखें साइन ए प्लस कॉट ए, ये कॉट ए नहीं होगा, ये कॉस ए होगा, ये कॉस ए होना चाहिए, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, साइन ए प्लस कॉस ए होना चाहिए तभी वो आरएचएस के बराबर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।